बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैरिज प्रोग्राम में आप सबको वेलकम करते हैं। आगाज़ करते हैं आज की खूबसूरत से दिन के साथ, जो कि जुम्मातुल मुबारक है। इस दिन में हर शख्स को चाहिए कि वो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़े। जैसे कि आज का खूबसूरत दिन है, वैसे ही आज का खूबसूरत सा रिश्ता आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। तो देखिए, ये रिश्ता आसमा का है, जो कि दूसरी शादी के हवाले से इन्होंने हमारे मैरिज प्रोग्राम में रابطہ किया है। तो चलिए चलते हैं रिश्ते की जाने। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है और बहुत ही खूबसूरत सा इस दिन में रिश्ता लेकर आए हैं स्पेशली आपके लिए। अगर आपको फ्रेंड्स पसंद आता है तो आप मुझे बताएं। डिटेल की जानिब जाना चाहेंगे, मुकम्मल तफसीलात लेकर आए हैं आपके लिए। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा, आना भी चाहिए। रिश्ता बहुत ही खूबसूरत सा है। ये इनका नाम आसमा है, 37 साल आसमा है इनका नाम। आसमा 37 साल इनकी उम्र है और ये तलाक़ याफ्ता हैं। तलाक़ की वजह भी बिल्कुल इन्होंने बताई, क्योंकि इनके जो साबिका शोहर थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। तो जैसे कि इन्हें इल्म हुआ तो इन्होंने बिल्कुल जब उनसे पूछा तो बस कुछ नहीं, उन्होंने कहा सिर्फ वाजे तौर पर जो है इनको तलाक दे दी। और क्योंकि उन्होंने पहली तो शादी दूसरी शादी की हुई थी, इस वजह से अब जो है वो दूसरी बीवी के साथ रिहाइश पज़ीर हैं। इनको तलाक दे दी है जो अब अपने मायके में रिहाइश पज़ीर हैं। इनके दो भाई हैं और ये तीन बहनें हैं, और हमारी बहन जो आसमा है ये फिर से घर बसाना चाहती हैं। भाइयों का अपना कारोबार है माशाल्लाह से, और अच्छा खासा देखिए चल रहा है माशाल्लाह से। और बहनें इनकी जो हैं, एक बड़ी वाली जो है मैरिड है, इनसे एक और छोटी हैं जो कि अभी तक कुंवारी हैं। 37 साल आसमा जो हैं फिर से शादी करना चाहती हैं और दोबारा अपना घर बसाना चाहती हैं, क्योंकि इनके जो शौहर थे जिन्होंने इन्हें तलाक दी, देखिए जो इनके साबिका शौहर थे, देखिए उन्होंने तो दूसरी शादी पहले ही कर रखी थी। देखिए अब जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में मगन हैं। कोई तलाक दे के हमारी बहन आसमा पर कोई अफसोस नहीं आया उन पर, क्योंकि देखिए वो पहले ही किसी और औरत के चक्कर में थी और उन्होंने शादी भी कर रखी थी, जो कि हमारी बहन को शादी के वाले से कोई इल्म नहीं था। जब इन्हें इल्म हुआ तो बस इनको तलाक मिल गई और ये अपने घर में आ गई, जो कि इनके मायके में इनका घर है, वहाँ पर अपने वालिदैन के साथ रिहाइश पज़ीर है। अब जो है आसमा को रिश्ता चाहिए, अच्छा रिश्ता चाहिए, इस वजह से हमारे मैरिज प्रोग्राम में रابطہ किया है। अगर भाइयों आपको हमारा आज का रिश्ता आसमा का पसंद है, जी हाँ आसमा का रिश्ता पसंद है, तो अपनी मुकम्मल डिटेल आपने हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखनी है। आसमा का नंबर हमारे पास मौजूद है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि देखिए इनका अपना पर्सनल नंबर है, हम उन्हीं भाइयों को देंगे जिनकी मुकम्मल डिटेल हुई, जी हों जिनकी पूरी डिटेल हुई और एक ही बार कमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ रابطہ करेंगे। जिन भाइयों को हम कमेंट्स में जवाब देते हैं उनके नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर जो है पूरी डिटेल जो है पांच डिटेल एक ही रिश्ते के लिए सेलेक्ट की जाती हैं, जिनमें से लड़की के फैमिली वाले देखिए वो रिश्ता सेलेक्ट करते हैं। आप हमेशा यही दुआ कीजिए कि आपके रिश्ते को लड़की वाले देखिए सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हम पांच रिश्तों को सेलेक्ट करते हैं जिनमें से एक रिश्ता जो है लड़की वालों को देखिए पसंद आता है, जिसके बाद जो है हम उनके साथ रابطہ कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से देखिए ये सिलसिला जारी है माशाल्लाह से। फी सबीलिल्लाह मैरिज प्रोग्राम है। अगर इनमें से आपको कोई भी रिश्ता पसंद है या फिर इसके अलावा आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिश का इजहार भी हमारे आगे कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हम आपके लिए रिश्ता लेकर आएंगे। तो आज मैं इजाज़त चाहती हूँ, टाइम कम है, जुम्मतुल मुबारक भी है, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।